जगह का नाम है, पीछे आप भाई देख रहे होंगे, उन्होंने अभी बताया कि इस जगह का नाम है गली किचन। बचते बचते बचे यार, मैं सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि एक लेग इनकी इधर ही रहेगी। सो गाइस, आज हमारा डे 4 यहाँ पे, तो वो आज हमारी तैयारी है वापस घर की तरफ जाने की। यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ, इस जगह को गुंग गद्दी कहते हैं, और सामने जो इलाका देख रहे हो उसे शक्कर मार्ग, और इस तरफ जो ऊपर आ गई इसे डन्नी बोलते हैं। टॉप प्लेस यही है जहाँ पे रहते हैं ये लोग आगे समर में। अभी 1.5 मंथ के बाद यहाँ से ये वापस चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है। तो इरफान भाई के बड़े ब्रदर जो हैं वो भी हमारे साथ जा रहे हैं वापस घर की तरफ आज। इरफान भाई अभी इधर ही हैं, तो 10 मिनट्स के बाद यहाँ से निकलेंगे। टाइम क्या हुआ भाई? 7:39 हो चुके हैं अभी, लगभग 8 बजे यहाँ से निकलेंगे हम। तो देखते हैं कब तक पहुँचे बरमगला, उसके बाद वहाँ से सुरनकोट, देन वहाँ से अपने घर। पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ये है इस सफ़र का कि यहाँ पे सुकून तो बहुत है भाई, लेकिन जो सहूलतें हमें हमारे उस उन इलाकों में मिलती हैं, सिटीज़ में मिलती हैं, वो नहीं मिलती। बिल आखिर सुकून है यहाँ पे यार, क्योंकि बिल्कुल खामोशी है, कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पेड़ कहीं पे ट्रीज़ आपको कहीं पे दूर दूर तक नहीं दिखेंगे, जिस वजह से हम जितना ऊंचे लेवल पे जाते हैं ऑक्सीजन लेवल कम होती जाती है और हमारी सांस फूल जाती है, थक जाते हैं जल्दी। कल के व्लॉग में आपने देखा था कि हम गए थे जो 7 लेक से उनकी तरफ, बट उनमें से हम 4-5 ही कवर कर पाए, क्योंकि वापसी आते वक्त हमने देख ज़रूर ली थी, तब काफ़ी ज़्यादा बारिश आ गई थी और साथ में ओले पड़ने भी शुरू हो गए थे, उस वजह से हम बचते बचते भागते भागते वापस आए। वो मैं वीडियो में कवर नहीं कर पाया। जो मेन दो थी, एक ननन सर और एक नील सर, वो दो मेन थी, वो दोनों मैंने कवर की हुई हैं, और सुख सर भी किया हुआ है। जो मैंने इन दोनों में जो बड़ी हैं सबसे, वो एक नील सर है और दूसरा ननन सर है। ननन सर सबसे दूर है इनमें से, बाकी सारी हमारे रास्ते में थी। तो चलते हैं भाई। आई डोंट नो कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी होंगी, बट फिर भी यार हमारा इतना सफ़र था, इतनी जर्नी थी, इतने टफ टफ रास्तों से हम गुजरे, उसकी वजह से आपका एक लाइक तो बनता है। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट के लिए, क्योंकि अगर हम मोटिवेट नहीं होंगे कि भाई कोई रिस्पांस ही नहीं मिल रहा हमारे व्यूज़ की तरफ से, हमारी यूट्यूब की फैमिली की तरफ से अगर कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा, तो हम अदर व्लॉग के लिए क्यों जाएंगे? हमें तो घर पे फिर सुकून से बैठे रहेंगे ना। इसलिए भाई आल्सो कमेंट कि कौन सी गलती हुई है, कौन सी गलती हमने सुधारनी है, ये आप लोगों से पता चलेगा। भाई कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, परफेक्शन उसमें धीरे धीरे आती है, और वो लोग बताते रहते हैं और उसमें आती है, और वो खुद में सुधार लाता है। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, बाय। तो ये जगह देख रहे हो, ये जगह, ये खड्डा सा जो पड़ा हुआ है, ये उस दिन भाई बता रहे थे कि बियर ने क्या किया कि कोई बकरी वगैरह खाई, जो उसका माल मटेरियल बाकी बचा, तो यहाँ पे खड्डा निकाल के बीच में डाल के खड्डा बंद कर दिया। भाई इन चीज़ों के पास भी दिमाग होता है, मुझे तो आई पता चला। सही बात है यार, मुझे पता चल गया यार, इधर आके भाई मैं ये चीज़ भी सीख ली, ये चीज़ भी सीख ली कि भाई जानवरों के पास भी दिमाग होता है। तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हम अपना थोड़ा सा सामान पीछे, भाई जहाँ पे फर्स्ट नाइट को हमने स्टे किया था वहाँ पे छोड़ के गए हुए थे। वापस आते वक्त यार यहाँ पे 3 इतने खतरनाक टाइप के डॉग हैं ना यार, आपने ये ऊपर कहाँ किया यार? इसरार भाई को यार तुमने पकड़ लिया था। बचते बचते बचे यार, मैं सोच रहा था कि एक लेग इनकी इधर ही रहेगी, तो वो कंधे पे रख के घर ले जानी पड़ेगी हमें। अभी तक इसरार भाई डरे हुए हैं। इस तरफ है भाई, हमने इस तरफ जाना है आगे। और पता है जगह का नाम क्या है? क्या नाम है यार? शैतान पेड़ा। ने सफियान भाई और इसरार भाई काफी पीछे रह गए थे, ये आ रहे हैं अभी। वो भाई साहब जल्दी आओ, काफ़ी मुश्किलातों का सामना करते हुए हमारे सुफियान भाई और इसरार भाई पहुँचे हैं। तो
तो भाई हमें लगभग एक घंटा हो चुका है यहाँ पे पहुँचे हुए। जगह का नाम है, पीछे आप भाई देख रहे होंगे, उन्होंने अभी बताया कि इस जगह का नाम है गली गिरचन। इनकी यहाँ पे शॉप है, हम वहीं पे एक घंटे से रुके हुए हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है। यहाँ से नीचे लगभग 1.5 आवर या 2 आवर ही रहने दो बहराम गले तक, वहाँ तक पहुँचने में हमें लगभग 2 आवर रहने दो, इतना टाइम लगता था, लेकिन बाहरी शागी बहुत ज़्यादा। तो अभी भाई ने जस्ट चाय वगैरह पिलाई हमें, तो यहीं पे रुके हुए हैं, बारिश को देख रहे हैं, रुक जाए तो फिर यहाँ से चलते हैं आगे। तो भाई की इससे ना आगे आपको कोई शॉप मिलेगी, नीचे बहराम गले से ऊपर यही शॉप मिलेगी आपको, देख लो भाई की ये शॉप भी यहाँ पे। तो ठीक है, अगर आप आते हो यहाँ पे तो स्टे भी कर सकते हो नाइट टाइम यहाँ पे आप। भाई बाय।